सो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिडिल ईस्टर्न हेल्दी ब्रेकफास्ट फुलमा दमास। फुलमा दमास बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप गार्लिक, चॉप ग्रीन चिली, चॉप टोमेटो, चॉप पार्सली, चॉप वाइट ऑनियन एंड लेमन। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है भुना हुआ जीरा और सॉल्ट। फुलमा दमास बनाने के लिए हमें चाहिए फावा बीन्स, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमने फावा बीन्स को एक बाउल में रखना है और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे। दोस्तों, फावा बीन्स वेट लॉस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, फावा बीन्स बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। सबसे पहले इसमें गार्लिक डालना है। गार्लिक को थोड़ा सौते होने के बाद इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो तभी आप ऐड करना। और डालेंगे इसमें टोमेटो, अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ हम एक मिनट इसे कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैश किया हुआ है फावा बीन्स। फावा बीन्स को अच्छे से कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, भुना हुआ जीरा और सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें पार्सली चॉप किया हुआ। दोस्तों, फावा बीन्स ऑलरेडी बॉयल्ड आता है, तो इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, दो से तीन मिनट। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे लेमन जूस। दोस्तों, यहाँ पर रेडी है हमारा मिडिल ईस्टर्न हेल्दी ब्रेकफास्ट फुलमा दमास। दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके बीच में लाता रहूँ। फुलमा दमास को सर्व करेंगे हम अरेबिक ब्रेड के साथ।